वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। छब्बीस जुलाई साल 2008 को अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में लगभग 14 साल बाद आरोपियों की सजा का ऐलान हुआ है। शुक्रवार यानी 18 फरवरी 2022 को 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया, जबकि सेशंस कोर्ट ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, यानी इन्हें मृत्यु तक जेल में रहना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और किन किन धाराओं में इन्हें सजा दी गई है। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने इन आरोपियों को यूपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 302 के प्रावधानों के तहत सजा सुनाई है। यही नहीं, फैसला सुनाने वाले जज एआर पटेल ने फैसला सुनाने के दौरान ब्लास्ट में जान गंवाने वाले परिजनों और जख्मी लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार इस ब्लास्ट में जिन लोगों की जान गई है उन्हें 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे, गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 50,000 और हल्के तौर पर चोटिल लोगों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। बता दें कि कोर्ट ने सिर्फ मुआवजे का ही ऐलान नहीं किया है, इस मामले के आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 48 दोषियों पर 2.85 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिन दोषियों को मृत्यु दंड की सजा का ऐलान हुआ है उनमें सिर्फ उस्मान अगरबत्ती वाला ही आर्म्स एक्ट के तहत दोषी है, जबकि इस पर 2.88 लाख रुपये का फाइन भी लगाया गया है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले की सुनवाई कोविड काल में ऑनलाइन ही हुई है, जिसमें जेल में बंद आरोपी ऑनलाइन ही कोर्ट की प्रोसीडिंग में शामिल थे। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस करार दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि देश के इतिहास में पहला ऐसा मौका होगा जब एक केस में सर्वाधिक लोग यानी 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के मामले में 26 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दरअसल 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर अलग अलग 21 जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे। इन ब्लास्ट में 200 से अधिक लोग जख्मी हुए थे, जबकि 56 लोगों की जान चली गई थी। 14 सालों से चल रहे मुकदमे का फैसला अब आ गया है, जिसमें 49 लोगों को दोषी करार दिया गया है। तो ये था अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के फैसले पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।